हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इसका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फाइंड द फॉलोइंग. ओके, तो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ 200. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि परसेंट मींस 100. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 15/100 इंटू 200, बिकॉज ऑफ मीन्स 100. ठीक है, तो यहाँ पे भी दो जीरो, यहाँ पे भी दो जीरो, जीरो जीरो कट, 15 2 ज़ा, चेक कर लेते हैं. 15 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2, +1 3, सो आंसर इज 30. ओके, बी, सो बी इज 25% ऑफ 40. ओके, 25% ऑफ 40. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि परसेंट इज इक्वल टू 100 एंड ऑफ मीन्स 40, ऑफ मीन्स 100, सॉरी ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इन टू. ठीक है, 25/100 ऑफ इज मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड देन 40, एक जीरो कट हो गई. ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, हम इन दोनों को 5 के टेबल से कर सकते हैं, तो 5 5 ज़ा, देन 5 2 ज़ा, इन दोनों को कर सकते हैं, अब 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, सो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. ओके, अब चलते हैं थर्ड पे, सी. 50% ऑफ 90, तो परसेंट मीन्स 100 और ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 50/100 इंटू 90, जीरो जीरो, इसका जीरो कट, इसका जीरो कट, सो 5 9 ज़ा 45. ठीक है, अब डी, लास्ट क्वेश्चन. 35% ऑफ 300. ठीक है, परसेंट मीन्स 100 और ऑफ मीन्स इन टू. 35/100 इंटू 300, सो जीरो जीरो कट, चेक करते हैं 35 3 ज़ा क्या होता है. 35 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, +1 10, सो आंसर इज 105. ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7F. अब हम करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स. ठीक है, तो ये है इसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स. ई, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉरी एफ इज सॉल्व द फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12% ऑफ 35. ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ई, 12% ऑफ 35. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि परसेंट 12/100 इंटू 35. ओके, हम इसको करेंगे बाय कटिंग इट. ठीक है, तो हम इसको दोनों को 5 से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसके पीछे 0 लास्ट में है और 5 है लास्ट में. ठीक है, तो हम इसको करेंगे 5 7 ज़ा एंड 5 20 ज़ा. ठीक है, ओके, अब हम इन दोनों को करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में 0 है एंड इट इज़ एन इवन नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर. ओके, तो हम इसको करेंगे 2 10 ज़ा, 2 6 ज़ा. ठीक है, तो अब होगा, हम इसके आगे कर सकते हैं बट हम इसको एक और मेथड से करेंगे, सो 6 7 ज़ा 42/10. ठीक है, इस ये आएगा, इसका फॉर्म आएगा डेसिमल में, तो 1 0 है यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा 4.2. ठीक है, एफ है 78% ऑफ 600, 78% ऑफ 600. ठीक है, तो 78/100 इंटू 600, 2 0 2 0, 0 0 कट. ठीक है, अब फाइंड करते हैं 78 इंटू 6 क्या होता, कितना होता है. 6 8 ज़ा
48, 8, 4, 7, 6 are 42, 43, 44, 45, 46. 46. Answer is 468. Okay, तो G है 64% of 75. ठीक है, हम इसे भी वही सेम मेथड से करेंगे, 64/100 into 75. ठीक है, इसे भी कटिंग मेथड से ही होगा, इसे भी हम 5 के टेबल से जाएंगे, ये दोनों देखते हैं, 515s are and then 520s are. ठीक है, इन दोनों को फिर से कट करेंगे, ये दोनों 5 से ही जाएंगे, फिर से 54s are, 53s are. अब ये दोनों 4 से जाएगा, 41s are, 4 ones are 4, then 2 24, 4 6 are 24. अब 16 threes are करके देखते हैं, 16 threes are 3 6 are 18, 18 plus 1 3 plus 1 3 ones are 3 plus 1 4. Answer is 48. Okay, अब चलते हैं next sum की तरफ. Okay, so H is 35% of 80. 35/100 into 80, 0 0 कट, इन दोनों को कट करेंगे बिकॉज ये दोनों 5 के टेबल से जाते हैं, सो 5 7 35 एंड 5 2 10. ठीक है, अब इस पे जाते हैं, अब ये दोनों 2 के टेबल से जा सकते हैं, सो 2 1 2 4, सो 7 4 28. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. सो एक्स्ट्रा सम्स का लास्ट सम है ये, 98% ऑफ 50. ठीक है, तो इसको करेंगे 98/100 इंटू 50, 0 0 कट, देन इसको करेंगे 5 1s 5 2s, देन इन दोनों को करेंगे 2 के टेबल से, 2 4s 8, देन 1 इधर जाएगा, 2 9s 18, 49 ones are 49. So I hope you understand all. So bye bye, thank you.